देखिए साहब, प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊं, हिंदू राष्ट्र हम क्या कहते हैं, जैसे मैंने आपको पहले की एग्जांपल दिया, यूनिफॉर्म सिविल कोड का कोई फायदा हिंदुओं को नहीं, सब हिंदू हिंदू सब यूनिफॉर्म सिविल कोड मांग रहे हैं, फायदा किसको है? मुस्लिम्स को। मैं ये कह रहा हूं, भारत में सबसे पहले आप राम राज्य की स्थापना करिए, आप ऐसी व्यवस्था करिए कि सबसे पहले घुसपैठ रुके। मेरी एक PIL चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, 2017 मैंने फाइल किया था कि 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं, अब तो उनके बच्चे भी पैदा हो गए, अब तो 5.25 हो गए होंगे वो, ठीक है। आपके इस गाजियाबाद में मधुबन बापू धाम या चले जाइए हिंडन के किनारे, मैंने देखा हुआ है कितने बड़े बड़े मात्रा में आपके बांग्लादेशी रह रहे हैं, हर साल उनके एक बच्चे भी पैदा हो रहे हैं, एक एक बांग्लादेशियों के 10-10, 12-12, 15-15 बच्चे हो रहे हैं। सबसे पहले बेसिक प्रॉब्लम पे समझिए आप, सबसे पहले घुसपैठ को रोकना जरूरी है, जनसंख्या विस्फोट को रोकना जरूरी है, धर्मांतरण को रोकना जरूरी है। जो एक शब्द है कि एकेडमिक की, भाई ठीक है हिंदू राष्ट्र आ जाए, मैं उसका विरोधी नहीं हूं, लेकिन मैं कह रहा हूं पहले बेसिक चीजें तो पूरी हो जाए। घुसपैठ आ हो रही है, रोहिंग्या आ रहे हैं, धर्मांतरण आ रहे हैं, उत्तराखंड जहां पहले 1% कम्युनिटी थी वो 18% हो चुकी है, पूरे उत्तराखंड की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, भारत के 750 जिलों में से 200 जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। आप शुरू करिए स्टेट वाइज, आपके बंगाल के 14 जिले आपके हाथ से निकल चुके हैं, असम के 9 जिले आपके हाथ से निकल गए, बिहार के 6 जिले आपके हाथ से निकल गए, झारखंड के 4 जिले आपके हाथ से निकल गए, यूपी के 18 जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है, आगे हरियाणा के 3 जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो गई, पंजाब के 3 जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो गई, राजस्थान के 6 जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो गई, आगे गुजरात में चलिए 4 जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो गई, महाराष्ट्र के 6 जिलों की, तो 200 जिलों की डेमोग्राफी चेंज हो चुकी है। पहले डेमोग्राफी रोकिए, घर लूट रहा है, अरे घर की नेम प्लेट बाद में बदली जाएगी, पहले जो घर लूट रहा है घर को बदल रोकिए, ये आप समझिए। दूसरा, मैं अपनी बात, चूंकि गुरुदेव यहां बैठे हुए हैं, एक बड़े मेरे, एक मेरे मन का प्रश्न है जो मैं रखना चाहता हूं, प्राणियों में सद्भावना हो ये हम लोग सब वाक्य यूज करते हैं, हमारी एजुकेशन सिस्टम पहले ऐसी एजुकेशन सिस्टम की मांग करिए कि भारत में प्राणियों में सद्भावना है, सद्भावना हो। 5 लाख स्कूलों में नफरत सिखाई जा रही है, 5 लाख स्कूलों में वसुधैव कुटुंबकम नहीं सिखाया जाता, नारी तू नारायणी नहीं सिखाई, इसका उल्टा सिखाया जाता है, 5 लाख स्कूलों में कुछ और ही सिखाया जा रहा है। पहले उन स्कूलों को, नफरत फैलाने वाले स्कूलों को जहां आतंकी फंडिंग भी हो रही है उसके बारे में चर्चा करिए, एकेडमिक वर्ड लेके। मेरा यह मानना है हिंदू राष्ट्र एक एकेडमिक वर्ड है, उसका कंक्रीट नहीं है। आप जिन समस्याओं का समाधान चाहते हैं उसके लिए आपको पुलिस रिफॉर्म करना पड़ेगा, जुडिशियल रिफॉर्म करना पड़ेगा, कठोर कानून बनाना पड़ेगा। भारत में धर्मांतरण हिंदू राष्ट्र घोषित करने से नहीं रुकेगा, धर्मांतरण के लिए कम से कम फांसी देने वाला कानून बनाना पड़ेगा। भारत में, आखिर भारत में घुसपैठिए क्यों आते हैं ये रोहिंग्या, बगल में भूटान क्यों नहीं जाते, भारत में क्यों आते हैं? क्योंकि हमारा कानून घटिया है। ट्रेन में आप जाओ बेटिकट तो आपको पेनाल्टी है, लेकिन भारत में आ जाओ घुस जाओ बिना टिकट तो आपको बाद में जहां झुग्गी वहां मकान वाली स्कीम का लाभ मिलेगा। आपको पता है हमारे, हमसे ज्यादा डॉक्यूमेंट घुसपैठियों ने बना लिए, 2000 रुपए में आधार बनवा लिया, फिर 2000 रुपए दिया राशन कार्ड बनवा लिया, फिर 2-3 हजार रुपए दिया बर्थ सर्टिफिकेट बनवा लिया, फिर 3 हजार रुपए दिया ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लिया, 1 हजार रुपए बैंक, जो बैंक मित्र होते हैं बैंक के आसपास रहते हैं उनको दिया तो खाता खुलवा लिया, और आपके दिए हुए टैक्स के पैसे से रोहिंग्या और बांग्लादेशी मुफ्त का मकान ले रहे हैं, मुफ्त का मकान ले रहे हो, तो पहले उसकी चिंता करिए, बाकी चीजें सब एकेडमिक है। मैं आशा करता हूं आप मेरे उत्तर संतुष्ट होंगे।